हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्लेवर लस्सी और तीन फ्लेवर में। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्लेवर लस्सी। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप दही लिया है। सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर लस्सी बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करूंगी इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी, और यहाँ पे मैंने एक मैंगो को कट करके रखा हुआ है, इसको डाल लेंगे। और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए बचा लूंगी इसमें, क्योंकि तो जब हम लस्सी बना लेंगे तो उसको गार्निश करने के लिए हमें थोड़ा सा मैंगो चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बचा लिया। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। मैंने कोई अलग से कलर भी नहीं डाला इसमें, और इसको ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल अच्छे से स्मूथ ब्लेंड हो गई है। अब हम इसको ग्लास में पर करते हैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंगो का पल्प ले लिया था, उसको मैंने थोड़ा पेस्ट बना लिया और इसको थोड़ा ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ग्लास पे लगा लिया इसको। अंदर पोर कर ली हमने लस्सी। तो इस थोड़े से मैंगो जो मैंने बचा लिए थे उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया। तो देखिए हमारी मैंगो फ्लेवर्ड लस्सी कितनी फटाफट रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी वाली लस्सी। इसके लिए वहां पे हमने एक कप दही लिया है। और 4 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे शुगर ऐड करूंगी। मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसमें। और अब 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप डाला इसमें। ये चॉकलेट फ्लेवर लस्सी ये भी बहुत ही अम्मी लगती है पीने में, इसको तो बच्चे भी बहुत खुश होकर पीते हैं। और ये मैंने ग्लास को थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर लिया चॉकलेट सिरप चाहिए। और ये किसका भी कितना सुंदर कलर आया है, ये दिखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होता है, और बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं इसको पी के। इसको भी हमने ग्लास में ट्रांसफर कर लिया। आप चाहे तो इस पे चॉकलेट के चिप्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसी से इसको गार्निश कर लिया, चॉकलेट सिरप से ही इसको गार्निश कर लिया। तो ये देखिए डेकोरेट कर लिया है, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, बच्चे एकदम देखते खुश हो जाए। और अब हम तीसरी और बनाएंगे अपनी लस्सी रोज सिरप वाली, रोज फ्लेवर्ड। इसमें भी मैंने 2 टेबल स्पून भर के शुगर डाला है। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें रोज सिरप डाला है। ये रोज सिरप मैंने बनाया है, यानी कि रू अफ्जा। इसकी रेसिपी भी अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि रू अफ्जा कैसे बनाते हैं। और ये देखिए ये भी कितनी सुंदर लग रही है दिखने में, कितना अच्छा कलर आया है इसका। और इसको भी हम ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे इसे, इसे और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगती है लस्सी। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेशन हो। और इसके अंदर पोर कर लेंगे हम। तो देखिए हमारी रोज फ्लेवर्ड लस्सी भी रेडी है, और इसको हम रोज पेटल से गार्निश कर लेंगे। मैंने इसमें रोज पेटल डाली है और दिखने में कितनी लाजवाब लग रही है ये तीनों लस्सी। पीने में तो इससे भी बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।